हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीफी लाइक कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल को कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है और काफी सारे फायदे हैं इस कैप्सूल के, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह बीफी लेग कैप्सूल जो कि तोवा फार्मास्यूटिकल कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 119 रुपए है, जो कि एक स्टीम 10 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेप्टोकॉक सेसेलिस 300 मिलियन, क्लॉक्सटी टीडियम ब्यूटरिकम 2 मिलियन, बैसिलस 1 मिलियन, लैक्टिक एसिड बैसिलियस 50 मिलियन अवेलेबल। दोस्तों बीफी लेग कैप्सूल जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर 1, पाचन तंत्र के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर 2, बीफी लेग कैप्सूल पाचन तंत्र से न्यूट्रिशन एलिमेंट को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए पाचन तंत्र की कैपेसिटी को बढ़ाता है। नंबर 3, लूज मोशन हो। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन हो। नंबर 5, स्टोमक इन्फेक्शन हो। नंबर 6, आंतों में इन्फेक्शन हो। नंबर 7, डायरिया हो तो उसमें भी यूज की जाती है। नंबर 8, कई बार एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ भी इस कैप्सूल को यूज करवाते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है इस कैप्सूल को और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में यूज कैसे करें इस कैप्सूल को। इस कैप्सूल को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन को देखकर यूज करवाते हैं। एडल्ट को दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद दी जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये कैप्सूल आप यूज करें तो बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप पहले से कोई विटामिन की गोली या टैबलेट या कैप्सूल ले रहे हैं तो इस कैप्सूल का यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 2, किडनी लीवर पेशेंट भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 3, बाद दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो इस कैप्सूल का यूज ना करें। नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें इस कैप्सूल को विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 5, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस कैप्सूल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे जैसे कि वॉमिटिंग, पेट दर्द, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस कैप्सूल का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो बीफी लेग कैप्सूल के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छे रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, बीफी लेग कैप्सूल, बीफी लेग सीरम, बीफी लेग HP कैप्सूल, बीफी लेग GG सैचेट, तो ये भी परचेज कर सकते हैं आप। तो डॉक्टर अलग अलग कंडीशन को देखकर पेशेंट को यूज करवाते हैं, जो कि बीफी लेग कैप्सूल एडल्ट के लिए होती है और बीफी लेग सीरप बच्चों के लिए होती है। तो ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।